बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड मस्ट बी डूइंग गुड। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ फिल्टर क्वेश्चन। हियर इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज अ फिल्टर? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन एमएस एक्सेस। फिल्टर क्या हैं और उसके मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं? फिल्टर बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा को यूज़ होता है। जो आप क्राइटेरिया देते हैं अगर उसके साथ मैच हो जाता है आपका डेटा, तो वो एक्सट्रैक्ट करके आपको डेटा जो है वो व्यू करवाता है। फिल्टर आर यूज विद द ओपन टेबल, और फिल्टर को ओपन टेबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फिल्टर। फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, सबसे पहले हमारा जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर बाय सिलेक्शन है। द फिल्टर बाय सिलेक्शन फीचर इज़ यूज टू फिल्टर अ रिकॉर्ड दैट कंटेन आइडेंटिकल डेटा वैल्यू इन द गिवन फील्ड। जो आपने वैल्यूज देते हैं उनसे अगर वो मैच होती है तो आपको वो सिलेक्ट करके डेटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन फिल्टर ऑल द रिकॉर्ड दैट हैव अ वैल्यू समान इन द नेम फील्ड। ये तमाम लोगों का डेटा जिनके नेम की फील्ड में, नेम वाले कॉलम में समान आता होगा, वो तमाम फील्ड का डेटा जो है वो आपको फ़िल्टर करके दे देगा। ये तमाम रोज़ का डेटा जो है आपको फ़िल्टर करके दे देगा। फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू अप्लाई अ फिल्टर बाय सिलेक्शन। वो तरीकाकार जिसके ज़रिए हम फिल्टर बाय सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं वो दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लेस द कर्सर इन द फील्ड अकॉर्डिंग टू विच द फिल्टर इज़ टू बी अप्लाइड। आप उस फील्ड के ऊपर, उस कॉलम के ऊपर कर्सर रखेंगे जिसके मुताबिक आप जो है फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक फ़िल्टर बाय सिलेक्शन बटन ऑन द टूल बार। टूल बार के ऊपर आपके पास ये बटन दिया होगा फ़िल्टर बाय सिलेक्शन, आप उसको क्लिक करेंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स में जाएंगे, रिकॉर्ड्स के अंदर फ़िल्टर के अंदर फ़िल्टर बाय सिलेक्शन का ऑप्शन होगा मेन्यू बार के ऊपर। मेन्यू बार के ऊपर आप रिकॉर्ड्स को क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड्स के बाद फ़िल्टर का ऑप्शन होगा, फ़िल्टर के बाद आपके पास होगा फ़िल्टर बाय सिलेक्शन का, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट का एक टेबल है और उसके रिकॉर्ड जो है शो करवाए गए हैं। द फिल्टर इज़ अप्लाइड ऑन द सिटी फील्ड। सिटी की जो फील्ड है, सिटी वाला जो कॉलम है उसके ऊपर फिल्टर अगर लगा दिया जाए, इट डिस्प्ले द रिकॉर्ड विद द वैल्यू लाहौर इन द सिटी फील्ड। तो सिटी के ऊपर अगर आप फिल्टर लगाते हैं कि सिर्फ लाहौर का डेटा डिस्प्ले हो, तो सिर्फ और सिर्फ लाहौर जिनकी सिटी में आता होगा उनके रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो इस टेबल के अंदर, ये टेबल, ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है जिसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी का कॉलम है। अब ये सिटी का जो कॉलम है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया गया है, और उस फिल्टर की बेस पर सिर्फ लाहौर सिटी का डेटा जो है वो डिस्प्ले होकर आ रहा है। लाहौर के रिकॉर्ड जो है वो फ़िल्टर होकर आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे उसके दो रिकॉर्ड जो हैं वो आ रहे हैं। उसके बाद है फिल्टर बाय फॉर्म। फिल्टर, द फिल्टर बाय फॉर्म इज़ यूजफुल इफ़ द टेबल इज़ लार्ज। अगर हमारा टेबल जो है वो काफ़ी बड़ा है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू फाइंड द रिकॉर्ड दैट कंटेन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू विच फिल्टर इज़ टू बी अप्लाइड। अगर यूज़र कोई फ़िल्टर अप्लाई करता है और इसके मुताबिक उसने वैल्यूज़ जो है वो लेनी है और इसके मुताबिक एक जो है वो उससे डेटा को फेच करना मुश्किल है, तो फिर फ़िल्टर बाय फॉर्म जो है अप्लाई किया जाता है। दिस मेथड क्रिएट्स अ ब्लैंक वर्जन ऑफ अ टेबल। इसमें क्या होता है, टेबल का मतलब आपके पास बहुत बड़ा टेबल है और आपने उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया मैच करके फ़िल्टर लगाना है, तो उस हवाले से फिर क्या किया जाता है कि ये फ़िल्टर बाय फॉर्म लगाया जाता है, जिसमें वो क्या करता है कि टेबल का एक ब्लैंक वर्जन यानी खाली टेबल जो है क्रिएट करता है विद ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू वो होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट अपेयर हो रही होती है। Each field contain the value found in the record of a dead field. The following procedure is used to apply the फ़िल्टर बाय फॉर्म। ये तरीकाकार हमारे पास दिया गया है जिसके ज़रिए हम फ़िल्टर बाय फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, क्लिक द फील्ड टू एंटर द फिल्टर क्राइटेरिया। जिसके ऊपर, जिस फील्ड के ऊपर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अंडर डिफ़ॉल्ट लुक फॉर टैब ऑफ फिल्टर बाय फॉर्म विंडो। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक
और टैप या तो क्लिक करेंगे या फिर टैप करेंगे, टैप का बटन दबाएंगे एट द बॉटम ऑफ अ विंडो, विंडो के बॉटम में टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेट क्राइटेरिया इफ़ द रिकॉर्ड में कंटेन वन ऑफ टू स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर रिकॉर्ड के अंदर एक या दो से ज़्यादा स्पेसिफाइड वैल्यू होंगे। सिलेक्ट एन अदर क्राइटेरिया, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू से मोर और टैब्स, या तो मोर का बटन प्रेस करेंगे या फिर टैब्स विल अपेयर आफ्टर वन क्राइटेरिया इज सेट टू एट अ मोर अल्टरनेट क्राइटेरिया फॉर द फिल्टर, यानी एक क्राइटेरिया या फिर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आप क्या करेंगे, क्लिक अप्लाई फिल्टर बटन, ये फिल्टर का बटन है ऑन द टूल बार आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल क्राइटेरिया टू अ फिल्टर, जितने भी क्राइटेरिया आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके बाद आप इस बटन को क्लिक करेंगे। द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज वेयर द ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर इंस्टेड ऑफ अ सेलेक्टिंग एन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की बजाय जहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है अपीयर हो रहा हो। अब यहाँ पर फॉर्मेट लाइक स्ट्रीट, लाइक स्टैटिक स्ट्रीट है, सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड डेट एंड विद द स्ट्रीट, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पर तमाम रिकॉर्ड जो है वो एंड हो रहे हैं वो स्ट्रीट पर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल जी के है। सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड डैट बिगन विद द लेटर ए, जो ए से शुरू हो रहे हैं थ्रू जी, ये क्राइटेरिया बताएंगे कि किस तरह से हम क्राइटेरिया जो लगा सकते हैं। इसी तरह से ग्रेटर देन 110, सेलेक्ट ऑल द डेट सिंस 1100, ये यहाँ से डेट सेलेक्ट करेगा। लेस देन एंड ग्रेटर देन सेलेक्ट 0, सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू 0, वो तमाम रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा जो जिनमें 0 नहीं है। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सेविंग एंड रिमूविंग अ फिल्टर, आप किस तरह से अगर आपने फ़िल्टर लगाया आप उसको सेव कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर सेविंग अ फाइल इज़ एज फॉलो, जिस पर आपने फ़िल्टर लगाया उसके बाद उसको सेव करना चाहते हैं तो सेलेक्ट फाइल, फाइल में जाएंगे, सेव एज अ क्यूरी फ्रॉम द मेन्यू बार, मेन्यू बार से आप सेव एज अ क्यूरी सेलेक्ट करेंगे, एंटर द नेम ऑफ द क्यूरी, क्यूरी का नाम लिखेंगे एंड द थर्ड नंबर पे क्लिक ओके, ओके का बटन प्रेस करेंगे, द क्यूरी इज़ नाउ सेव्ड विद इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आपका फ़िल्टर के लिए आपने जो क्यूरी लिखी थी वो सेव हो जाएगी। रिमूविंग अ फिल्टर, अगर आप फ़िल्टर को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू रिमूव अ फिल्टर, क्लिक द डिप्रेस्ड अप्लाई फिल्टर टॉगल बटन ऑन द टूल बार, आप टूल बार के ऊपर टॉगल बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो फिल्टर होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये आप लोगों के आज के क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर इनको आप अच्छी तरह से कीजिएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।